दर्जनों निर्माण कार्यों में दोषी पाए गए बेताल सिंह सचिव ग्राम पंचायत बारा हेड को सीईओ जिला पंचायत ने किया निलंबित। तमाम शिकवे शिकायत के बाद आखिरकार सीईओ ने पंचायत सचिव को अनियमितताओं के चलते किया निलंबित। मामला दरअसल भिंड जिले के गोहद विधानसभा अंतर्गत ग्राम बारा हेड का है, जहां लगातार 6 माह से सचिव बेताल सिंह कौरव पर घोर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जा रहे थे। इस संबंध में शिकायतकर्ता राम शंकर सिंह जिला पंचायत सीईओ जेके जैन को लिखित आवेदन दिए थे, जिसे जिला पंचायत सीईओ ने आरईएस को जांच के लिए कहा। जांच उपरांत आरईएस कंपनी के द्वारा पाया गया कि 13 कार्यों में घोर लापरवाही कर भ्रष्टाचारी की गई है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पाया गया कि कुछ कार्य स्थल पर कराए ही नहीं गए हैं, वहीं कुछ काम अधूरे पड़े हैं, जिसमें भिंड कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ और सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने आहरण की गई राशि सचिव से राशि वसूलने की भी बात कही। पूछे जाने पर जिला पंचायत सीईओ श्री जैन ने कहा कि अब जिले में अनियमितता करने वाले सचिव पर लगातार कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उन्हें तत्काल निलंबित किया जाएगा। सरकार की जो भी राशि किसी भी पंचायत पर शेष है, उसे तत्काल शासन को वापस करें। जब हमारे ब्यूरो की इस विषय में कार्यपालन यंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई सरपंचों की भी भिंड जिले में जांच की जा रही है, उन सरपंचों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है, बहुत जल्द उन सरपंचों का भी खुलासा करेंगे। पंचायत के बारे में बारह है जनपद गोहद की ग्राम पंचायत है, उसके बारे में लेके बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उन शिकायतों के लिए हमने एक जांच दल बनाया था, पहले सीओ जनपद को लिखा था, पर वो शिकायत करता था शायद उनसे संतुष्ट नहीं था, उसको लग रहा था कि ये लोग सही शिकायत की जांच नहीं करेंगे। उनका कहना था किसी दूसरे आदमी से कराया जाए, तो फिर ईआरएस को भेजा था। ईआरएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के विरुद्ध उन्होंने 16,20,000 की रिकवरी का प्रकरण दिया है, जिसके नोटिस उनको जारी हो गए हैं और 92 का प्रकरण भी रजिस्टर कर लिया है। आज कलेक्टर महोदय ने उसको सचिव को निलंबित भी कर दिया है, उस सरपंच को पद से हटाने का नोटिस भी जारी हो गया है। 92 के बाद हम प्रकरण में कार्रवाई करेंगे और वसूली भी करेंगे। अगर गमन में दोषी पाए जाएंगे, अभी हमने निलंबित किया है, तो निश्चित तौर से कलेक्टर साहब ने कहा कि हम उनको जेल भी भिजवाएंगे और उसकी राशि की वसूली भी करेंगे। सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता उस राशि की वसूली करना है जो गमन में आई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।